हम सब साधक हैं, ये मत सोचना कि हम व्यापारी हैं तो हम साधक नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के अंश ही हैं। और जिस दिन संसार में आए ना, हमारी यात्रा शुरू हो गई। चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप कोई भी दुकान का काम करते हैं, फिर भी लक्ष्य एक ही है, हम सब ईश्वर के अंश हैं। इसीलिए हमें जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ जाएगी, जब तक हमारे जीवन में भक्ति की खोज नहीं हो जाएगी, तब तक जिय के जरनी न जाए, यह जीवन शांत नहीं हो सकता, यह आत्म तृप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हम अपने परम लक्ष्य को जिस दिन प्राप्त करने के लिए निकल पड़े, साधना की दृष्टि से जिस दिन भक्ति पथ पर चल पड़े, और भक्ति पथ पर चलने का आशय ये भी नहीं है कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, मकान छोड़ दो। न व्यापारी को सन्यासी बनने की जरूरत है, न सन्यासी को व्यापारी बनने की जरूरत है। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य, आपको उसी में भगवान मिलेंगे। किसी ने घर नहीं छोड़ा, गोपियों ने घर नहीं छोड़ा और कृष्ण मिल गए। कबीर दास जुलाहा का कार्य करते थे, रैदास तो चमड़े का काम करते थे महाराज, फिर भी उन्हें भगवान मिल गए। तो कोई अपने कार्य को बदलने की जरूरत नहीं है, केवल जो काम कर रहे हैं वह भगवान का कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। यह दृष्टि ही, यह भाव ही आपका आपके काम को भी पूजा बना देगी, यही भाव आपके व्यापार को भी पूजा बना देगी, यही करो।